नमस्कार। और आप देखें पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल गुड़गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि लोग चाहे जो मर्जी कयास लगाएं, लेकिन लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के आचार संहिता सहित लगभग 3 माह तक रहेगी। इस दौरान हम अपनी घोषणाओं पर काम करेंगे व जो विकास योजनाएं पाइपलाइन में है उन्हें पूरा करेंगे। वहीं 8 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राथमिकता केवल विकास योजनाएं हैं, चुनाव नहीं। चुनाव समय पर होंगे। सुने आगे मुख्यमंत्री ने क्या कहा। देखिए, वैसे तो ये जो रिपोर्ट है बहुत चिंताजनक रिपोर्ट है और निश्चित रूप से इससे कंसर्न हम सब लोग हैं। फिर भी मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि विदिन 2 डेज एक सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक मीटिंग बुलाएंगे। उसमें हमारा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन के नाते से, कंट्री प्लानिंग के नाते से MCD के जो लोग हैं वो भी हैं और ट्रांसपोर्ट के लोग हैं कि कोई ना कोई ऐसा करेक्टिव मेजर से क्या क्या लिए जा सकते हैं जिसके कारण से पॉल्यूशन यहाँ कम हो। तो इस सारे के ऊपर 2 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में होगी और फिर इसका निर्णय लिया जाएगा। देखिए, विकास के कामों के लिए जितनी मीटिंग की जाए उतने कम हैं। आपको पता है कि 3 तारीख को हमने पूरे हरियाणा के 211 प्रोजेक्ट्स एक साथ लगभग 4100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और आज भी जैसे GMD की मीटिंग में आप देख रहे हैं कि इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने गुरुग्राम के अलग से क्लियर किए हैं और आगे लोकसभा का चुनाव उसकी तैयारी के नाते भी हमको मीटिंग करनी है और जितने पेंडिंग काम उनको पूरा करना लोकसभा के चुनाव से पहले ही वैसे ही हमारी निवर्तन बनती है। अन्यथा 3 महीने का जो समय होगा आचार संहिता का, उस 3 महीने में काम कुछ हो नहीं पाएंगे। इसलिए जितने हमारे काम प्रपोज काम हैं वो पाइपलाइन में हैं, उनको सबको पूरा करना है, इसलिए हमारी आवश्यकता है। हम मीटिंग्स कर रहे हैं। और जहाँ तक क्यास लगाने की बात है, इसको मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। और फिर भी आप लोग स्वतंत्र हैं, क्यास लगाते रहें। अभी तो हमने 8 तारीख को एक कैबिनेट की मीटिंग और रखी हुई है, तब तक तो क्या चले ही चलेंगे।